बढ़िया गुड न्यूज है फॉर ऑल द पीपल हु आर टारगेटिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने मॉपअप राउंड्स रिलीज कर दिए हैं। आई नो दिस वीडियो इज क्वाइट लेट, बट मैंने अपने कम्युनिटी में पोस्ट डाल दिया था कि हाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी ने रिलीज कर दिया है, बट सिंस यू गाइज रिक्वेस्टेड अ डिटेल्ड वीडियो की प्लीज एक सेपरेट वीडियो भी ले आओ, सो दैट इज द रीजन आई एम मेकिंग दिस वीडियो। ठीक है, तो एंड तक जरूर देखना वीडियो को, इट इज गोइंग टू बी वेरी इन्फॉर्मेटिव। सब्सक्राइब दिस चैनल राइट नाउ। मैं आपको एक एक चीज बता दूंगी कि कौन कौन एलिजिबल है, कहाँ कहाँ आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, कौन कौन से कॉलेजेस में अभी भी सीट बची हुई है, कौन से कोर्सेज में, और आप कितनों में अप्लाई कर सकते हो, वो सब मैं वीडियो में कवर अप करूंगी। ऑल्सो टू ऑल दोज पीपल जो विड्रॉल का बार बार मुझसे पूछ रहे थे वो भी बताऊंगी। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो सबसे पहली चीज इज दैट कि इसमें सिर्फ वही बच्चे जिन्होंने CUET दिया था वो नहीं, बल्कि जो बच्चों ने CUET नहीं दिया था वो भी एलिजिबल है। दैट सिंपली मींस कि एवरीबडी इज एलिजिबल, जिसने CUET दिया था वो भी और जिसने नहीं दिया था वो भी। ठीक है, जिसको अभी तक भी कॉलेज नहीं मिला है तो वो अब रेडी हो जाओ, ये काफी बढ़िया गुड न्यूज है। ठीक है, 12 कॉलेजेस हैं अभी एज ऑफ नाउ, 12 कॉलेजेस हैं जो इस मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, पहला है आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, दूसरा है अदिति महाविद्यालय, गर्ल्स का कॉलेज है, तीसरा है भगिनी निवेदिता, ठीक है ये जो है ये भी वुमेन्स का ही कॉलेज है, चौथा भारती कॉलेज अगेन वुमेन्स, फिर है भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस, फिर है इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स, दिस इज ऑल्सो फॉर द वुमेन्स, कालिंदी कॉलेज वुमेन, लेडी इरविन कॉलेज येट अगेन वुमेन, शहीद राजगुरु फिर से वुमेन है, स्वामी श्रद्धानंद में भी सीट बची है, ऑल्सो विवेकानंद जो है ये फिर से वुमेन है, एंड जाकिर हुसैन इवनिंग और डे दोनों में ही सीट बची हुई है। ठीक है, सो वुमेन के काफी ज्यादा लाइक गर्ल्स के काफी ज्यादा चांसेस हैं, बॉयज के भी हैं बट ऑफकोर्स ज्यादा कॉलेजेस गर्ल्स के हैं। ठीक है, बेसिकली जो मैंने आपको कॉलेजेस के नाम बताए हैं ना, इन सभी में सीट्स वेकेंट है, कुछ कुछ कोर्सेज में, नॉट एवरी कोर्स, कुछ कुछ कोर्सेज में सीट वेकेंट है, आप वेकेंट लिस्ट वो चेक कर सकते हो। ठीक है, ऑल्सो यू कैन विजिट देयर वेबसाइट, वहां पे भी मेंशन है कि इनके किस किस कोर्स में कितनी कितनी सीट्स बची हैं, और ये देख लेना कि वो कोर्स आपके मतलब का है भी या नहीं। ठीक है, ये सब आपको लाइक आप अप्लाई कर सकते हो फॉर द मॉपअप राउंड टिल 15th ओनली। ठीक है, आई नो वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया बट आई अपलोडेड द कम्युनिटी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग इफ यू वॉन्टेड टू अप्लाई तो आप जरूर कर सकते थे, एंड अभी भी इस वीडियो के बाद चांस है तो कर लेना। ठीक है, अब मैं आपको आगे कैसे अप्लाई करना है, कैसे कैसे आप कौन कौन से कॉलेजेस में कर सकते हो, वो सभी को बताने से पहले आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज, देखो बेसिकली आप सभी ना कॉमेंट करके मुझसे पूछते हो कि लाइक डुअल डिग्री का क्या सीन है, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी रेगुलर कॉलेज में कोई कोर्स कर रहे हैं, साथ साथ में हम कोई और कोर्स कर सकते हैं, अगर करेंगे तो क्या दोनों मतलब सेम वैल्यू रखेंगे नहीं रखेंगे। सो फॉर दैट टूडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कॉलेज विद्या। सो बेसिकली दिस इज लाइक अ फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म जहां आप सारी UGC अप्रूव जो भी टॉप यूनिवर्सिटीज होती है ना उनके बारे में जान सकते हो, लाइक ऑनलाइन कोर्सेज जो वो करवाते हैं, प्लस उन्हें कंपेयर कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स में। ठीक है, कि लाइक कितने ड्यूरेशन है दोनों कोर्सेज का और क्या फीस है, बहुत सारे डिफरेंट पैरामीटर्स पे आप उन दोनों को एकदम अच्छे से कंपेयर कर सकते हो, सो दैट यू फाइंड योर आइडियल यूनिवर्सिटी एज वेल एज योर आइडियल कोर्स। ठीक है, ऑल्सो फॉर दैट कि आपको कोई भी डाउट ना रहे, दे प्रोवाइड यू फ्री ऑडियो एंड वीडियो काउंसिलिंग, ये ना आपको स्टार्टिंग से ही एक मेंटोर प्रोवाइड कर देंगे टिल योर प्लेसमेंट, लाइक स्टार्टिंग ऑफ द एडमिशन टिल योर प्लेसमेंट अ मेंटोर विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू। ठीक है, एंड कॉलेज विद्या जो मैं आपको डुअल डिग्री वाला बता रही थी ना, तो कॉलेज विद्या आपको हेल्प करता है इसमें। देखो बेसिकली आप रेगुलर कॉलेज से कर सकते हो एक डिग्री, और दूसरा आप कॉलेज विद्या के थ्रू लाइक ऑनलाइन डिग्री कर सकते हो, एंड नॉट जस्ट दैट आप दोनों ही ऑनलाइन डिग्रीज भी कर सकते हो, एंड गवर्नमेंट ने अप्रूव करा है कि ऑनलाइन डिग्री की वैल्यू भी सेम कंसिडर करी जाएगी, सो डोंट बी अफ्रेड अबाउट दैट। ठीक है, सो इफ यू वॉन्ट टू डू लाइक ऑनलाइन डिग्री ना, तो कॉलेज विद्या इज योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन। ठीक है, इनके जो भी AI पावर्ड कोर्सेज है एंड कॉलेज सजेस्टिंग टूल्स है ना, वो आपको सिर्फ 2 मिनट में आपके लिए जो भी बेस्ट कॉलेज और कोर्स है ना वो फिल्टर करके बता देते हैं बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो इस वाले फीचर को भी आप जरूर चेकआउट कर लेना। और यहाँ पे पता है सिर्फ अंडर ग्रेजुएशन ही नहीं बल्कि पोस्ट ग्रेजुएशन एंड PhD तक के प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है, सो आप उनको भी जरूर चेकआउट कर सकते हो। एंड नॉट जस्ट दैट, दे इवन प्रोवाइड यू लाइक स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज, जिसके बारे में मैं हमेशा बोलती हूँ कि ऐसे कोर्सेज से आपकी जो CV है वो अपलिफ्ट होती है एंड यू गेट अ बेटर चांस ऑफ गेटिंग प्लेस्ड। ठीक है, एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड यू लाइक EMI सपोर्ट ऑप्शंस विच आई रियली रियली लाइक। ठीक है, कई लोग हैं जो एकदम से अपने आप पे लाइक फाइनेंशियल टोल नहीं लाना चाहते, सो EMI सपोर्ट ऑप्शन फॉर यू गाइज, ताकि आप अपनी एजुकेशन को प्रॉपरली फंड कर सको विदाउट एनी मतलब इश्यू। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स आपको उनकी वेबसाइट पे मिलेंगे।
मैं कमेंट्स में भी लिंक दे दूंगी, ऑल्सो आई यू नो पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन इज वेल। तो जरूर चेकआउट करना उनकी वेबसाइट को, ठीक है? आपका जो भी डाउट है वो उधर जाके भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है? एंड इफ यू हैव एनी अदर डाउट तो आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। सो देखो गाइज, 15th तक आपके पास टाइम है अप्लाई करने के लिए मॉपअप राउंड के लिए, है ना? अब साइंस की ना काफी सारी सीट्स बची हैं। आप खुद से भी जब चेकआउट करोगे ना इन 12 कॉलेजेस में, गर्ल्स के लिए तो काफी ज्यादा ही स्कोप है, तो आपके लिए काफी सारी सीट्स बची हैं। एंड यू नो कि अब इतने सारे राउंड हो गए, कट ऑफ हर राउंड के बाद नीचे आते हैं, तो इस राउंड में तो हद से ज्यादा नीचे जाते हैं कट ऑफ एज कम्पेयर टू द वेरी फर्स्ट राउंड, बहुत ज्यादा नीचे जाती है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना। और देखो तुम लोग ना ऐसे देखो, जैसे कि मैंने आपको 12 जो भी कॉलेजेस बताए उन सभी की वेबसाइट को एक बार विजिट करो, क्योंकि उसमें ना ऐसा है कि कईयों को आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, बट आई रेड कि कई कॉलेजेस ऐसे हैं जो ऑफलाइन ही मांग रहे हैं आपसे आपके एप्लीकेशन, कि हाँ आप ऑफलाइन आके ही हमसे बोलो कि हाँ मैं मॉपअप राउंड में अप्लाई करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, ठीक है? तो हर कॉलेज की वेबसाइट पे जाके ये चीज जरूर चेक कर लेना, वहां पे ना स्पेसिफिकली लिखा आपको दिख ही जाएगा कि मॉपअप राउंड है या समथिंग लाइक दैट, ठीक है? तो एक बार जरूर जाके वहां चेक करना कि किस कॉलेज के किस कोर्स में कितनी सीट्स वेकेंट है, वो आपके मतलब की है नहीं है। इफ यू थिंक कि हाँ ये मेरे मतलब की है तो आप उसको अप्लाई करोगे, ठीक है? अब एक चीज का ध्यान रखना है कि आप एक कॉलेज में एक ही कोर्स में अप्लाई कर सकोगे। दिस इज लाइक अ सॉर्ट ऑफ ड्रॉबैक और लाइक जस्टिफाइबल थिंग, बट आप एक कॉलेज में, जैसे मैंने 12 कॉलेजेस बताया ना आपको, तो एक कॉलेज जैसे आचार्य नरेंद्र मान लिया, तो आप उसमें केवल एक ही कोर्स में अप्लाई कर पाओगे, ठीक है? तो वॉच अकॉर्डिंगली कि आपको जैसे कि 2-4 कोर्सेज उसमें अगर हैं वेकेंट, ठीक है, तो आप देख लेना कि इन 2-4 में से मुझे किस में अप्लाई करना है, ठीक है? जो आपके लिए मोस्ट रेलिवेंट होगा तो उसको अप्लाई कर देना, ठीक है? एक चीज मैं बोलना चाहूंगी अभी आगे बताने से पहले कि देखो, टू ऑल दोस पीपल ना जो दिल्ली से बाहर से आ रहे, लाइक बहुत दूर से आ रहे, तो आप भी देख सकोगे ये चीज तो खुद से भी कि देखो इतनी अच्छी सीट्स तो इतने अच्छे कॉलेजेस में अच्छे कोर्सेज की नहीं ही बची है, ठीक है? सो आई वुड नॉट रेकमेंड कि आप बहुत दूर से ऐसे के ले आओ, ठीक है? अनटिल और अनलेस योर बेसिक माइंडसेट इज दैट मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही पढ़ना है, नो मैटर विच कॉलेज नो मैटर विच कोर्स, तो आई वोंट स्टॉप यू, बट इट्स माय रिकमेंडेशन कि इतने के लिए मत आओ, अपने आसपास के जो भी कॉलेजेस में आप रजिस्टर हो चुके हो उसमें चले जाओ या फिर वेट फॉर द नेक्स्ट ईयर, ठीक है? इट्स माय रिकमेंडेशन, बाकी इट्स अप टू यू। ऑल्सो देखो कई स्टूडेंट्स ऐसा सोच रहे थे कि यार बच्चों को सीट मिल रही है वो फिर भी विड्रॉल ले रहे हैं, काश हमें मिल जाती, वो जो एक सीट वेकेंट दिख रही है वहां पे हमें क्यों नहीं मिली, ऐसे वगैरह होता है ना। सो दिस इज योर चांस, ठीक है? यहाँ पे आपको मॉपअप राउंड में जरूर मिल सकती है सीट, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एक चीज का ध्यान रखना कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनको अप टू डेट रखो, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है स्पेशली दैट, उसकी वजह से काफी सारे फॉर्म्स रिजेक्ट होते हैं, उसको एकदम रखना अप टू डेट, एंड जो भी बाकी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना उन सभी को भी अपने पास अवेलेबल रखना, दैट विल हेल्प यू गाइज, ठीक है? और देखो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे प्रेफरेंस लिस्ट बनाने का जो सरदर्द था ना वो सब नहीं है कि आपको लिस्ट बनानी है ये करना है वो करना है, बिकॉज आई टोल्ड यू गाइज ऑलरेडी कि आपको उसके उसमें जाना है एंड देन यू हैव टू अप्लाई फॉर वन कोर्स, ठीक है? आपको विजिट करनी पड़ेगी वेबसाइट योर सेल्फ, ठीक है? हर वेबसाइट को जाके देखो कि क्या ऐसा कोई कोर्स है जिसमें मैं अप्लाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इफ यू फील लाइक दैट देन यू कैन अप्लाई फॉर श्योर। कोई भी पेमेंट नहीं, कोई भी फीस नहीं है आपके अप्लाई करने के लिए, दैट्स द वेरी गुड थिंग। पहला चीज तो यही है कि कोई भी आपको एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है कि लाइक आपको अप्लाई करने के लिए फीस देनी है, नो। दूसरी चीज ये अच्छी है कि लाइक जिन्होंने सीयूईटी नहीं दिया था वो भी कर सकते हैं। आई नो आपको लग रहा होगा थोड़ा कॉम्पिटिशन बढ़ गया समथिंग लाइक दैट, बट स्टिल दे हैव गिवन द चांस टू दोज पीपल इज वेल। अब मैं फाइनली बता देती हूँ थोड़ा विड्रॉल के बारे में, क्योंकि कॉमेंट्स इतने ज्यादा आ रहे थे कि मैंने इस डेट को विड्रॉल किया था, मुझे अभी तक पैसे नहीं मिले, मेरा ये हुआ था वो हुआ था, तो मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देती हूँ। जस्ट वेट, दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके पैसे खा के नहीं बैठेगा, ठीक है? आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, बशर्ते आपकी तरफ से कोई भी गलती ना हुई हो, ठीक है? अगर आपने कुछ भी ऐसा कर दिया, इधर से नहीं लिया विड्रॉल उधर से नहीं लिया, तो फिर अलग चीज है, ठीक है? ये चीज का ध्यान रखना, अगर आपकी तरफ से कोई भी गलती नहीं हुई तो दिल्ली यूनिवर्सिटी वोंट स्टॉप, अपने पास ही रख लेंगे वो पैसे, मिल जाएंगे आज नहीं तो कल। अब हो सकता है कि एक महीने से आप ऑलरेडी वेट कर रहे हो, तो जस्ट वेट फॉर सम टाइम ना। अभी देखो मॉपअप राउंड फिर आ गए, दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्लेट में ऑलरेडी इतनी सारी चीजें, तो वो अलग से फिर और चीज बाद में करेगा ना, विड्रॉल बाद में दे देगा, ठीक है? तो जस्ट रिलैक्स, आपके पैसे नहीं जाएंगे कहीं भी, अगर कट रहे होंगे तो वही है जो डेट का था 30th September तक विड्रॉल कर सकते हो, एवरीथिंग लाइक दैट उसी के कटेंगे, बाकी आपके पैसे आ जाएंगे, ठीक है? तो टेंशन मत लो इस चीज का, रोज रोज मेरे उसमें कमेंट्स आते रहते, मैंने इस तारीख को विड्रॉल लिया था, मैंने उस तारीख को विड्रॉल लिया था, जस्ट वेट, ठीक है? मिल जाएंगे, कोई भी टेंशन मत लो, ठीक है? बाकी आपको कोई भी डाउट होना
तो काइंडली कॉमेंट डाउन बिलो, ठीक है, मैं रिप्लाई दे देती हूँ, एंड इफ अगर मैं रिप्लाई नहीं देती हूँ तो आई मेक दिस सॉर्ट ऑफ वीडियो ताकि आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाए. शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स. बहुत ज्यादा बढ़िया गुड न्यूज थी ये, मैंने शेयर कर दिया था आप सभी के साथ कम्युनिटी के लिए, ठीक है. ऑल्सो देखो विड्रॉल वाले लोग ना एक बार जो बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन है उसको भी पढ़ लेना फॉर ऑल द स्टेप्स की क्या है क्या नहीं है, ठीक है, आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी. एंड ऑल द स्टूडेंट्स हु आर यू नो पार्टिसिपेटिंग इन द मॉपअप राउंड, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट. प्लीज दिमाग खोल के देखना कि अच्छा इस कॉलेज के इस कोर्स में मुझे एक्चुअली में लाइक इज इट वर्थ इट, ये चीजें देख के करना, ठीक है. मैं आपको एकदम सजेस्ट नहीं करूंगी कि ओह इसमें ये बढ़िया है इसमें वो बढ़िया है, नो इट्स योर टोटली इट्स अप टू यू, ठीक है, टू डू द बेस्ट व्हाट सूट्स यू द बेस्ट वही करो, ठीक है. एंड या आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो, होप यू लाइक दिस वीडियो राइट नाउ, एंड या सब्सक्राइब टू माई चैनल इज वेल, कॉमेंट डाउन बिलो समथिंग क्यूट क्यूट, और इफ यू हैव एनी अदर डाउट, एंड आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो. ऑलराइट, बाय.